हेलो गाइस, वेलकम बैक। जीडीयू की तरफ से अगेन एक अपडेट आया है आज, जो अपडेट है डेट एक्सटेंशन के बारे में। जैसे कि आपको पता है 16 जून 2020 को जीडीयू की तरफ से सर्कुलर्स निकले थे, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। उसमें बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये था कि जो भी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है, जो ऑनलाइन एग्जाम्स देना चाहते हैं, वो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको टाइम दिया गया था 3 दिन का, 17, 18 और 19, राइट? ये 3 दिन का आपको टाइम दिया गया था। मैं एक बार बता देती हूँ अगेन, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स कौन दे सकते हैं? जो स्टूडेंट आइदर कंटेनमेंट जोन में है, या फिर जो लोग ये कोविड की सिचुएशन की वजह से आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं, वो लोग ये जो ऑनलाइन एग्जाम है उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है जीटीयू ने पहले 3 दिन का ही टाइम दिया था, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आए थे कि ये 3 दिन बहुत कम टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। और अभी हम सबको पता है कोविड की सिचुएशन की वजह से इंटरनेट इश्यूज भी होते हैं बहुत सारे जगह पे, तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट की वजह से जीटीयू ने स्टूडेंट का बेनिफिट ध्यान में रखते हुए ये जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है। और अभी वो नया डेट है 21/6, मतलब पहले 19 तक ही टाइम था, कल तक का ही टाइम था के पास, बट कुछ स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना था बट वो अभी तक नहीं कर पाए, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि जीटीयू ने ये टाइम एक्सटेंड कर दिया है 20 और 21, मतलब आज और कल का दिन भी आपको दिया गया है जिसमें आप रजिस्टर कर पाओगे। तो यही सबसे बड़ा अपडेट है कि आज और कल में भी अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हो और अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो यू स्टिल हैव टाइम, आज या कल के अंदर आप ये चीज़ कर सकते हो। और फिर प्रोसेस तो वही रहेगा कि जैसे आप पहले, मतलब रजिस्ट्रेशन जो भी आपको पोर्टल में जाके करना है वो प्रोसीजर पूरा सेम है। तो अगर आपको करना है तो बी क्विक, कल लास्ट डेट है, अब ये एक्सटेंड नहीं होगा। और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको भी ये चीज़ करनी है, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि जो भी स्टूडेंट को करना है और उन्होंने अभी तक नहीं किया है, वो सबको बेनिफिट हो पाए। थैंक यू सो मच।